सातवें व अंतिम चरण में होने वाले चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन के उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की ताकत का एहसास कराने के लिए 16 मई को गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गोरखपुर के प्रत्याशी रविकिशन के पक्ष में एक विशाल रोड शो करने जा रहे हैं। मेगा रोड शो में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री और बीजेपी के पद अधिकारी सहित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। रोड शो को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं और विशाल रोड शो के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। रोड शो टाउन हॉल से शुरू होकर विजय चौराहे पर संपन्न होगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी एवं लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित भाई शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूर्व योगी आदित्यनाथ जी महाराज की एक विशाल रोड सभा का आयोजन किया गया है, जो ये रोड शो टाउन हॉल के मैदान से प्रारंभ होकर के और घोष कंपनी, फिर रेती, फिर वहाँ से बक्शीपुर से आर्यनगर होते हुए विजय चौक पर जाके समाप्त होगी। इस रोड शो में जो उत्साह देखने को मिला है वो विभिन्न संगठनों ने हम लोगों से संपर्क करके और अपने अपने पॉइंट्स पे स्वागत करने का स्वच्छ स्फूर्ति से कार्यक्रम तय किया गया है और कार्यकर्ताओं का हुजूम और आम जनता, आम जनमानस भर करके इसमें आने वाला है। लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पर उपस्थिति होने वाली है। 64 गोरखपुर लोकसभा की अपने जो पांचों विधानसभा की हमारी जनता है वो सब उसमें आने वाली है और स्थानीय जनता पूरे मनोयोग से लग करके और अपने राष्ट्रीय नेता का और माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक स्वागत करने जा रहे हैं। और इसी रोड शो से जो अपने पूर्वांचल का हमारी 19 तारीख को जो अंतिम चरण के चुनाव हैं ये बहुत फ़र्क डालने वाले हैं और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को पुनः कार्यभार सौंपेगा। टाउन हॉल से प्रारंभ होकर के और घोष कंपनी होते हुए रेती चौक से फिर बक्शीपुर चौराहा, बक्शीपुर से आर्यनगर, आर्यनगर से विजय चौक पे जाके समाप्त होगा।